बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बस शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ, बस गला थोड़ा सा ख़राब है, बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम डिनर पे गए हुए हैं। फहाद ने अचानक प्लान बनाया कि हम डिनर पे जा रहे हैं और एकदम से रिजर्वेशन कराई और हम वहाँ चले गए। तो मैंने जल्दी से इससे सारा कैप्चर कर लिया कि हमने यहाँ क्या खाया क्या नहीं किया। तो यहाँ पे अब हम ऑर्डर दे रहे हैं। हम चाइनीज़ खाने गए थे, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़े का एनवायरनमेंट था वहाँ पे। मैंने अभी जैसे कि आपको कैप्चर करके दिखाया है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया था प्रॉन्स विद चिलीज एंड वेजिटेबल्स। अच्छे थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। हमें स्पाइसी थोड़ा चाहिए था लेकिन ये इतना स्पाइसी नहीं था। इसी के साथ हमने किया चिकन फ्राइड राइस और साथ ही अमान के लिए फेवरेट उसके जो हैं चाउमीन, तो वो भी हमने कर लिए चिकन चाउमीन। वैसे तो हम जब भी यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाके इनकी स्टीम डम्पलिंग्स होती हैं चिकन में, वो हम ज़रूर खाते हैं। लेकिन हमने जैसे ही वो ऑर्डर की, हमने मेरा तो इरादा सूप का भी था, लेकिन हमने जैसे ही वो स्टीम डम्पलिंग्स का ही उसे भी बताया तो उसने कहा कि इसके अंदर तो 25 मिनट्स लगते हैं, तो रश भी बहुत ज़्यादा था। तो उसने कहा बेहतर है कि आप सिर्फ मेन कोर्स ही ऑर्डर कर लें, तो इसीलिए हमने सिर्फ मेन कोर्स ही ऑर्डर कर लिया। बट यहाँ का खाना हमें पहले भी पसंद है, तो जब खाना आया तो वो बहुत टेम्प्टिंग लग रहा था और बहुत ही मज़े का था। इनकी क्रॉकरी हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद है। हमने खाना खाया, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये लोग कावा सर्व करते हैं जो कि मेरा एवर फेवरेट है, लेमन ग्रास का होता है, वो भी हमने बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही क्वालिटी टाइम था जो मैंने फाहद के साथ यहाँ स्पेंड किया और हमें बहुत मज़ा आया। आने के बाद फाहद ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये भी मुझे इस तरह सरप्राइजेस दे सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से हम घर पे ही थे, हम कहीं जा आ नहीं सकते थे, तो इन्होंने पहले से ही ये चॉकलेट्स ला के रखी हुई थी मेरे लिए और इन्होंने मुझे एकदम से टाइम पे निकाल के दी। तो आई वॉज शॉक के यार ये कब हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। बस अल्लाह ताला सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आप भी मुझे हमेशा इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। कुछ पुरानी पिक्चर्स निकली थी जो मैंने पहले वैलेंटाइंस डे पे इनको विश किया हुआ है, इनको सरप्राइजेस दिए हुए हैं, तो वो मैंने पिक्चर्स यहाँ पे ऐड की हैं, आप वो देखें। इस्लामाबाद में बेवरले सेंटर में ये एक बेकरी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके डिज़र्ट्स हैं। सुना था कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई थी कि आप इसके डिज़र्ट्स ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त हैं, खूबसूरत भी बहुत हैं। नो डाउट कि इनके सारे ही डिज़र्ट्स बहुत खूबसूरत हैं। मैंने भी जाके ट्राई किए, मैंने कहा मैं भी इसका रिव्यू दूँ कि कैसे हैं, मुझे कैसे लगे हैं। तीनों ही बहुत अच्छे थे। एक था फ्रूट टार्ट, एक था स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और एक था चॉकलेट डोम। चॉकलेट डोम इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक भी इनका बहुत ज़बरदस्त था। तीनों में से अगर मैं रैंक करना चाहूँ तो सबसे पहला मैं नंबर दूंगी चॉकलेट डोम को, सेकेंडली मैं कहूँगी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक को और थर्ड वन इज़ फ्रूट टार्ट। फ्रूट टार्ट जो था वो थोड़ा सा उसका जो नीचे का क्रस्ट था वो सॉफ्ट हो गया हुआ था क्योंकि इसके अंदर कोई कस्टर्ड टाइप फिलिंग थी। नो डाउट टेस्ट में सभी बहुत अच्छे थे। तो आप सब भी यहाँ पे ज़रूर जाएं और जाके इनके डिज़र्ट्स ट्राई करें। इनके डिज़र्ट्स जितने दिखने में खूबसूरत हैं उतने ही खाने में मज़े के भी हैं। बस इसका फ़र्क ये है कि ये बाकी बेकरीज से थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि वैसे ही इन्होंने बहुत एलिगेंट से बनाए हुए हैं, तो इस वजह से भी उन्होंने ज़्यादा कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है।
कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे, लेकिन कभी कभी के लिए आप ये खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल देखने में बहुत प्यारे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैंने ये लेने हैं और मैंने ट्राई करने हैं, तो मैंने फाइनली ये ट्राई किए। आप सब भी ज़रूर ये ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। सॉरी फॉर दैट कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हुई हुई है, तो सॉरी फॉर दैट। चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मज़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।